बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बेसिल सीड्स लेकर आए हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। यह हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। यह देखिए, यह देखने में तो बहुत ही छोटा सा सीड्स है, यानी यह बेसिल सीड्स है, से आप स्वीट सीड्स भी बोल सकते हैं। यह एक तरह का देखिए तुलसी के पौधे के तरह ही इसका बीज होता है, लेकिन यह तुलसी का बीज नहीं होता है, यह उसी प्रजाति का होता है। देखने में तुलसी के पौधे के तरह ही लगेगा, लेकिन तुलसी के पौधे को हम होली बेसिल बोलते हैं और सब्जा के बीज वाली तुलसी को स्वीट बेसिल कहते हैं। इसे अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, या तुक मलंगा या तुक मारिया, स्वीट सीड्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हेल्थ के साथ साथ स्वाद और रंगत दोनों को बढ़ा देता है। हम इसे सुपर फूड भी बोल सकते हैं। यह मोटापे जैसी समस्या को भी दूर करता है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन ए, बी और मैग्नीशियम, फाइबर और कैल्शियम भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसकी तासीर की बात करें तो इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। यह हमारे शरीर की में जो बढ़ी हुई गर्मी होती है, यह पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। डायबिटीज में इसका सेवन दूध के साथ करने से शुगर का लेवल जो है कंट्रोल में रहता है। यह शुगर वाले पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। 2 चम्मच सब्जा के बीज को आप पानी में भिगोकर रख दें और इसका सेवन दूध में मिलाकर करें, तो शरीर जो है हमारा तरोताज़ा और हेल्दी रहेगा। यह हमारे जो हेल्थ है उसे मेंटेन में बैलेंस में रखता है। यह दिमाग जो है स्ट्रेस हो जाने पे उसमें भी काफ़ी फायदेमंद होता है। यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपके जैसे बाल आपके जो झड़ रहे हैं तो इसे आप थोड़ा सा पीस कर इसका पेस्ट बना लें, पाउडर बना लें, उसके बाद बाल में लगाएं तो बाल आपके काफ़ी चमकदार, काले, मुलायम हो जाएंगे। और जिसे जैसे फोड़े फुंसी है सोराइसिस में तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बीज को पीस कर थोड़ा सा और जहाँ सोराइसिस है वहाँ लगा लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। चेहरे पे भी आप इसे जैसे पिंपल्स हो गए हैं तो वहाँ भी इसे आप लगाएंगे। इस सीड्स को थोड़ा सा 2 चम्मच लेकर इसका पाउडर बना लें और पानी में मिक्स कर चेहरे पर लगाएंगे तो सारे जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, वो भी इस सीड से जो है दूर हो जाते हैं। और इसके प्रयोग की बात करें तो जैसे यह सीड है इसे हम 2 चम्मच लेंगे, इस तरीके से लेना है, 2 चम्मच लेंगे, पानी में इस तरीके से भिगो देंगे। लगभग आधे घंटे के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, यह ब्लैक है। यह पानी सोख होने के बाद जो है इसका कलर जो है वाइट कलर का हो जाएगा। इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और जो हमारा सोख, देखिए हमारा किस तरीके से यह सोख हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना जल्दी चेंज हो गया है। आप देखिए इस तरीके का हो जाएगा, इसका कलर भी आप देखिए चेंज हो रहा है, वाइट कलर हो रहा है। तो इसका हम यह जो है इस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे और इसका आधे घंटे के बाद यह बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ का हो जाएगा। उसके बाद इसे हम दूध में डालकर पिएंगे, या अगर दूध में नहीं पीना चाहते हैं तो इसे नॉर्मल पानी में पी सकते हैं। और नींबू का इसमें जूस हल्का डाल दें, उसके बाद इसे पिए तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है।
आप देख सकते हैं, यह देखिए कितना फूल चुका है। यह देखिए हमारा एक तरीका, यह फलूदा हमारा तैयार हो गया है। आप शरबत में, गर्मी में जो है शरबत बनाकर इसे पी सकते हैं, और दूध में पिए तो और फायदेमंद है। और गर्मी के दिन में इसे शरबत में डालकर इस तरीके से थोड़ा सा शरबत में डाल दें तो यह बहुत ही फायदा करता है। बॉडी हमारा ठंडा रहता है और शरीर में जितनी बड़ी हुई गर्मी है उसे भी बैलेंस में रखता है। तो इसे आप ज़रूर खाए पिए, इसका शरबत बनाकर। और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।